किसी ने रात में चलने वाला सोलर खरीदना है तो रेट आज का ये समझ लीजिए कि बेहतर कैटेगरी है जिसके अंदर जिनको 560 550 एन टाइप हो गया, लॉन्गी हाइमोसेक्स हो गया, जिनको है ये जिनको है 580 वॉट है, डबल गिलास है, एन टाइप है, तो ये देखिए कैनेडियन है 573 है, डबल गिलास है, ये भी ये हाइमोसेक्स है लॉन्गी टाइप, जिनको है 11 बस बार के अंदर आता है, ये देखिए ये एन टाइप वो है आपका मस्टैंग इनवरेक्स 575 वॉट है, तकरीबन 16 बस बार के पैनल भी हैं, 11 के भी हैं, नए मॉडल पुराने सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, रेट मजीद और हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, रेट और आ जाए, मैं डरा नहीं रहा आपको रिलैक्स कर रहा हूँ, मतलब रमजान के एक महीने के अंदर तो ये स्टेबल रहेगी मार्केट जो मुझे नजर आ रहा है। समझ लीजिए कि ईद के बाद फिर बूस्ट आने ही है, रेटों में भी, मार्केट में भी, काम में भी, हर चीज में बूस्ट, 1 किलोवाट से लेके और तकरीबन 5 किलोवाट तक का निजाम है, उसमें लाइट पंखे खाली चलाने, 1 kVA का सिस्टम लगाते हैं, तो बाकी जिसमें 2.5 किलोवाट का एक निजाम लगाना है, फ्रिज है, कुछ लाइट पंखे हैं, पानी की मोटर है, आयरन वॉशिंग मशीन है, 2.5 किलोवाट पे चलता है वगैरह चल गए, 2 AC है, फ्रिज है। असल दोस्त कैसे आप लोग, मैं हूं जावेद सत्तर और एक बार फिर मैं आपके साथ में आ गया हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में और यहां मेरे आने का मकसद है कि आपको सोलर पैनल के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि सोलर के रेट एक बार फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी रेट कम हो चुके हैं और उनके पास हर वैरायटी है, हर कंपनी के सोलर पैनल अवेलेबल हैं, जिनको भी है लॉन्जी भी है, लॉन्जी हाइमोसिक्स भी है और जिनको बायोफिशियल भी है, तो उनके पास हर वैरायटी मौजूद है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उनके आज के रेट क्या हैं और से ये भी इन्फॉर्मेशन लेंगे रात के हवाले से कि आजकल चल रहा है कि रात में काम करने वाले सोलर पैनल आ चुके हैं, तो मालूम करते हैं वो किस तरह हैं, उनके बारे में मालूम आ रहे थे। आए तो भागा वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम मुकरम साहब, काफी टाइम के बाद मैं आपके पास आया हूँ और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि मुकरम साहब के पास जाएं और उनके हवाले से अपडेट दें कि सोलर के पैनल उनके पास जो आ रहे हैं, तो उसके पास खास इन्फॉर्मेशन होती है हमारे व्यूवर्स के लिए। जी जी, तो आज क्या अपडेट है और क्या नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे व्यूवर्स के लिए और रेट भी बता दीजिएगा साथ साथ। देखें बिल्कुल, आप आए काफी टाइम बाद आए, बीच में भी थे एक दो बार, मैं नहीं वक्त दे सका, लेकिन ऐसा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल व्यूवर्स को और बहुत सारे भाई हैं सब आते हैं यहाँ से, रेट वगैरह सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। अभी देखें आज आपका तकरीबन ये समझ लीजिए कि 8 मार्च है 2024 है और रेट आज का ये समझ लीजिए कि बेहतर है। इस टाइम 48 रुपीज़ पर वॉट से पैनल शुरू होके मैक्सिमम 56 तक जा रहा है, 48 से शुरू होके 56 रुपीज़ पर वॉट जा रहा है। तो इसमें सादे जो नॉर्मल पी टाइप की जो कैटेगरी है जिसके अंदर जिनको 560 550 और जे का 550 और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 48-49 पे रुकी हुई हैं, और बाकी इससे ऊपर हम आते हैं तो एन टाइप हो गया, लॉन्गी हाइमोसिक्स हो गया, और ये जो ये कैटेगरी इस टाइम 51 और 52 रुपये पर रुकी हुई है। अब आ जाएं डबल गिलास पे, जो डबल गिलास की कैटेगरी है वो 54 से शुरू होके 56 रुपये पर वॉट पे चल रही है। तो आर्टिकल मैं आपको फिजिकली दिखा भी दूं, तो ये देखिए आर्टिकल जो है, ये देखिए ये जिनको है 580 वॉट है, डबल गिलास है, एन टाइप है, तो ये इस टाइम आज रुका हुआ है आपका 54 रुपीज़ पर वॉट पे। ये देखिए कैनेडियन है 573 है, डबल गिलास है, ये भी 54 पर रुका हुआ है, ये भी डबल गिलास, डबल गिलास है, ये देखिए ये हाइमोसिक्स है लॉन्गी, ये 51 रुपीज़ पर वॉट पे भी रुका हुआ है, ये पी टाइप जिनको है 11 बस बार के अंदर आता है, ये तकरीबन 49 रुपीज़ पर वॉट पे भी आज की डेट पर रुका हुआ है। ये देखिए ये एन टाइप वो है आपका मस्टैंग इनवरेक्स 575 वॉट है, तो ये भी अभी 54 रुपीज़ पर वॉट पे रुका हुआ है, तकरीबन 16 बस बार के पैनल भी हैं, 11 के भी हैं, नए मॉडल पुराने सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो माल इन शॉर्ट ये है कि माल इस टाइम ये समझ लीजिए कि सारी वैरायटी इस टाइम जो है क्वांटिटी के अंदर मौजूद है और रेट 48 रुपये से शुरू होके और तकरीबन 56 रुपये तक पे जा रहे हैं। तो मुकरम साहब, अभी जिस तरह गर्मियां भी आने स्टार्ट होने वाली हैं और रमजान भी आ रहा है, उसके हवाले से अभी टाइम किस तरह है कि आगे जाके क्या सिचुएशन बनेगी, रेट ऊपर की तरफ जाएंगे या यही रहेंगे या क्या अपडेट इसके हवाले थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए रेट मजीद और हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, रेट और आ जाए, मैं डरा नहीं रहा आपको रिलैक्स कर रहा हूँ और देखने वालों को भी रिलैक्स कर रहा हूँ कि शेयर 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपये वाट के ऊपर मजीद और कमी और आ सकती है, तो मुझे ऐसा नज़र आता है। लेकिन रमज़ान की आमद है, तो इस मतलब रमज़ान के एक महीने के अंदर तो ये स्टेबल रहेगी मार्केट जो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन और कोई कुछ हो जाए कुछ नहीं पता, जो मेरा अंदाज़ा है वो बताता हूँ। रमज़ान में तो तकरीबन स्टेबल ही रहेगा बाजार, बाकी इसके अलावा अगर
अगर अगर तो ये समझ लीजिए कि ईद के बाद फिर बूस्ट आना ही है, रेटों में भी, मार्केट में भी, काम में भी, हर चीज में बूस्ट आ जाएगा। तो रमजान तो मार्केट स्टेबल रहेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, जो कहते हैं हम माल लेके पैनल लेके अभी रख रहे हैं, हमको लगवाने ईद के बाद में, या हम रमजान में बीच में लगवाएंगे या इससे पहले लगवाएंगे, अभी रेट कम हुआ हुआ है तो हम सिर्फ पैनल लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा मतलब सबको यही है, बाकी मर्जी ले ना ले, बेशक आए मार्केट देखें, मुझसे भी मिलें और भी लोगों से मिलें, मेरा रेट अच्छा लगे मुझसे लीजिए, ना अच्छा लगे किसी और से ले लीजिए। तो ये कि मेरा बताने का मकसद ये है कि ये महीना तकरीबन हमारे पास स्टेबल ही रहना है और शायद और एक दो रुपये शायद नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर के कोई रीज़न कोई वजह इस टाइम नज़र नहीं आ रही, तो ये हो सकता है। लेकिन रमज़ान आइडियल वक्त है कि आप ले सकते हैं, लगवाना नहीं है तो आप लेके रख लीजिए, ईद के बाद लगवा लीजिएगा। जिसमें फिटिंग है, हमारा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान मसरूफ होता है, फिटिंगें चली रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ऐसा नहीं है। तो जैसी जिसकी सहूलत हो, पैनल की पोजीशन को देखते हुए मैं ये एडवाइस किया था कि ये आप पैनल अभी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छा माहौल है, मतलब 48 रुपये से शुरू होकर 56 रुपये तक पे जा रहा है। जी जी, ठीक है। जैसे इसमें ये भी थोड़ा बता दीजिएगा, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि एक एसी किसी को चलाना है या दो चलाने हैं, तो उसके हवाले से कौन सा सेटअप दो एसी के लिए चाहिए जो चलाए और 3-4 पंखे भी चला ले, और एक एसी है तो उसके साथ। हाँ देखिए, 1 किलोवाट से लेके और तकरीबन 1 किलोवाट से लेके और तकरीबन 5 किलोवाट तक का निज़ाम है ऑफ ग्रिड के अंदर जो ज़्यादातर चलता है, जिसने लाइट पंखे खाली चलाने, 1 kVA का सिस्टम लगाते हैं, तकरीबन 1.90 की कॉस्ट आती है अभी। बाकी जिसने 2.5 किलोवाट का एक निज़ाम लगाना है कि फ्रिज है, कुछ लाइट पंखे हैं, पानी की मोटर है, आयरन वॉशिंग मशीन है, 2.5 किलोवाट पे चलता है, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये का सेटअप बैठता है वो। 3 किलोवाट का निज़ाम 5 लाख रुपये का बैठता है तकरीबन, उसमें एक एसी, एक फ्रिज हो गया, कुछ पानी की मोटर, लाइट पंखे वगैरह चल गए, 2 एसी हैं, फ्रिज है, 5-6 किलोवाट का एक निज़ाम है तकरीबन वो लगता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 7,30,000-40,000 रुपये बैठती है। तो ये कि मुख्तलिफ लोग हैं, हर किसी का अपना अपना यूजेज है। तो लोग हमसे वाया व्हाट्सअप आपकी वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसी सहूलत होती है सबको जवाब देते हैं और बता देते हैं कि भाई आपका लोड क्या है हमें बताइए, हम कुछ डिज़ाइन करके आपको बता देंगे। तो जो हमारी गाइडलाइन है वो तो हम दे ही देते हैं, बाकी कस्टमर की मर्जी है, फिर वो आता है बाज़ार देखता है तो अच्छा लगे हमसे लीजिए। तो बिल्कुल रेट वगैरह वेराइटी सारी मौजूद है, रेट बहुत अच्छे मौजूद हैं, सारे आर्टिकल इस टाइम मौजूद हैं, कुछ गायब नहीं है, तो बाकी हर चीज़ मौजूद है और रेट भी मुनासिब है। तो हमसे कोई भी जैसे रब्ता करेगा, कराची की फिटिंग है, आउट ऑफ कराची है, वो बिल्कुल हम करवा देते हैं। ठीक है, कहीं पे भी है कराची के बाहर भी, तो वो आप कराची से बाहर भी होगी, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो वो देखते हैं कि किस तरह का निज़ाम है, क्या है, लेबर को जो भी हम होता है तो हायर करवा के बिल्कुल ये काम करवा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि जैसे लोग नॉर्मली 3-4 पंखे चलाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम रात में भी ज़्यादा बैकअप हो हमारा, तो उसके लिए कम से कम कितना सेटअप लगाए ताकि बैटरी और उसके ज़्यादा हो कि पूरा रात भी निकाल लेने, तो 4-5 घंटे ज्यादा निकाल ले रात के भी वो। देखें, बैटरी का ऐसा है मसला है ना, बैटरी के हम लोग इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारा काम सोलर का है और सोलर दिन की तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि सोलर चलना ही दिन में है, तो रात का सारा निज़ाम बैटरी ने उठाना है। अब ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है किस कंपनी की बैटरी है, ट्यूबलर है, सादी है, लिथियम है, आपका बैटरी बैंक के ऊपर लोड क्या चलना है, तो हर एक घर की अलग अलग नीड है। तो ये तो हम उसी टाइम देखते हैं कि भाई ये है, उसको एडवाइस कर देते हैं कि आप ये बैटरी हम सेल आउट नहीं करते फिलहाल, तो बैटरी का ये हम कस्टमर कहते हैं आप हमें दिलवा दीजिएगा, बाकी पूरा प्रोजेक्ट हम लगाते हैं। तो बैटरी के अंदर पानी भी डाला आता है, उसकी कोई शेल्फ लाइफ भी है, अगर टाइम पर हमारे पास सेल आउट नहीं होती तो उसकी ग्रेविटी बैठ जाती है, तो बैटरी हम रखते नहीं इसलिए। तो ये होता है कि बैटरी बैंक किसी का अगर ज़्यादा है तो हम एडवाइस कर देते हैं टेक्नीशियंस को, वहाँ भेज के साइट विजिट करवा लेते हैं, लोड चेक करवा के फिर बता देते हैं भाई आप ये लगाइए, इतनी बैटरियाँ लगा लीजिए तो आपको गुजारा हो जाएगा। बाकी तो कंज्यूमर को जो बैटरी बैंक की टाइमिंग का जो उसका जो सवाल का जवाब है वो लगाने से पहले नहीं मिलता, लगाने के बाद ही मिलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और ये बैकअप हमारा कहाँ तक जा रहा है। फिक्स अमाउंट में टाइमिंग का ड्यूरेशन कोई भी नहीं बता सकता आपको। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ज़्यादातर हमारे भाई यूट्यूबर्स और हमारे दुकानदार भी हजरात लगा रहे होते हैं कि रात दिन फ्री चलाएं, तो रात में चलने वाले कोई सोलर है या नहीं है? कुछ भी ज्यादा रात को सिर्फ हवा चलती है, सोलर नहीं चलता रात को सिर्फ हवा चलती है ठंडी, और कोई सोलर वोलर रात का नहीं है। अभी तक कोई आया ही नहीं, पिछली वीडियो में भी आपको कहा था ऐसे कि रात वाला कोई भी नहीं है और सब ये रोशनी के साथ दिन का निज़ाम है, धूप गर्मी रोशनी इसको चलाती है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और इसमें ना कोई, अगर किसी ने रात में चलने वाला सोलर खरीदना है तो वो मार्केट का रुख ना करे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुकर्रम साहब पहले भी मैं उनसे पूछ चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये शोशा उठना शुरू हो गया कि रात में चलने वाले सोलर, तो इसी हवाले से मैंने दोबारा भी इनसे अपडेट ले लिए। इनके पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो इनके पास लाजमी आएगी, तब तक कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आई नहीं, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। आज भी हमारे पास हालांकि इतनी अवेयरनेस, हम यूट्यूब के थ्रू आपके थ्रू कितने लोगों को अवेयरनेस देते हैं,
उसके बावजूद दिन में 3-4 फोन 2-3 कस्टमर यहाँ ही जाते हैं पूछने कि भाई रात वाला आ गया तो अब क्या जवाब दें। बस मैंने चले जितने लोग अभी देख रहे हैं वो उसको देख लेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है रात वाली। ठीक है, मेहरबानी जी।